कोरल रीफ पर ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव पर निबंध प्रस्तावना। कोरल रीफ हजारों वर्ष से जलवायु में हो रहे परिवर्तन के अनुसार खुद को ढालते आ रहे हैं। पर आने वाले समय में वह खुद को तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन से नहीं बचा पाएंगे। विश्व भर में कोरल रीफ का लगभग 25% क्षतिग्रस्त हो चुका है। और उनमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता है। तथा बाकी के 2/3 पे भी गंभीर संकट मंडरा रहा है। कोरल रीफ विनाशीकरण का तात्पर्य महासागरों के पानी के गिरते जल स्तर के कारण कोरल रीफों की भारी मात्रा में होने वाले विनाश से है। कोरल रीफों के विनाश के कई कारण हैं, जैसे कि प्रदूषण, गैर कानूनी मछली पकड़ने के तरीके, तूफान, भूकंप, परंतु इसका मुख्य कारण है जलवायु परिवर्तन। जिसके वजह से समुद्र के पानी का तापमान बढ़ता जा रहा है जलवायु परिवर्तन के कारण ही ग्रेट बैरियर के लगभग आधे कोरल रीफों का विनाश हो चुका है। मूंगा एक जीवित जीव है जो कि किसी अन्य पेड़ पौधे, पशु पक्षियों या अन्य प्रजातियों की तरह
समय के साथ कमजोर होते जाते हैं। मूंगे, कोरल पानी का अत्यधिक तापमान, सहन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पानी के अत्यधिक तापमान के कारण उनके अंदर स्थित उन्हें रंग प्रदान करने वाले सूक्ष्म जीव नष्ट होने लगते हैं। कोरल रीफ के क्षतिग्रस्त होने के लिए जिम्मेदार कारक। निचले स्तर का ज्वार, प्रदूषण, और अन्य कुछ कारकों के अलावा ग्लोबल वार्मिंग प्रवाल विरंजन कोरल ब्लीचिंग का मुख्य कारण है। यदि ऐसा ही रहा तो भविष्य में इनके और तेजी से विरंजित होने के आसार हैं। इस तरह की विरंजन प्रक्रिया के कारण पहले से ही क्षतिग्रस्त कोरलों पर और भी ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा। जो कि पूरे कोरल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए काफी हानिकारक होगा। कोरल वैसे ही काफी नाजुक तथा कमजोर होते हैं। जिससे उनमें कई बीमारियों की संभावना रहती है। और अगर उन पर इसी तरह से प्रभाव पड़ता रहा तो जल्द ही वह विलुप्त हो जाएंगे। प्लास्टिक और दूसरे अपशिष्ट पदार्थ पानी में फेंक दिए जाते हैं जिससे यह कोरलों के किनारे जमा हो जाते हैं।
और इस वजह से यह कोरलों के मृत्यु का कारण बनते हैं। बढ़ता हुआ पर्यटन भी कोरल रीफों के विनाश का कारण है। मनोरंजन गतिविधियों के लिए उपयोग होने वाले नाव और पानी के जहाज भी कोरल रीफों के क्षतिग्रस्त होने की एक वजह है। इसके अलावा अन्य पर्यटन मनोरंजक गतिविधियां जैसे कि स्नॉर्कलिंग और डाइविंग द्वारा भी इन संवेदनशील कोरल रीफों को नुकसान पहुंचता है। जैसा कि हम जानते हैं कि समुद्री तलछट समुद्र में जमीन से बहकर आए अघुलनशील कणों से बना है। बढ़ते मानवीय औपनिवेशीकरण और अन्य गतिविधियां जैसे कि खेती, निर्माण तथा खनन के द्वारा कई प्रकार के कण समुद्र में बहकर आ जाते हैं। ये कण तलछट को जाम कर देते हैं जिससे मूंगा चट्टानों को पोषण और सूर्य का प्रकाश मिलना बंद हो जाता है। जिससे कि उनका विकास रुक जाता है। निष्कर्ष वैसे तो मूंगा चट्टानों के विनाश के कई कारण हैं, पर इसका सबसे मुख्य कारण है जलवायु परिवर्तन और महासागरों का बढ़ता तापमान।
विशाल मात्रा में मूंगा चट्टानों में हो रही गिरावट को अब और नकारा नहीं जा सकता। इसके लिए हमें अब ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, जिससे इस समस्या को और विकराल होने से रोका जा सके। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अपने सुझाव फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बता दीजिए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोज के अपलोड्स आपको पता चलती रहे। बाय बाय।